मंत्री रहे जी आशुतोष, और पार्टी के प्रति आत्मविश्वास के साथ। आशुतोष क्या चल रहा है वहां पर अभी? जरूर हमारे साथ रामचंद्र पूर्वे जी हैं, उनसे बात कर लेते। और चूंकि दो क्लियर आरजेडी की क्लियर हो चुकी है, दो सीटों की घोषणा हो चुकी है सर, किन किन सीटों की घोषणा आपने की? बांका और भागलपुर। बांका से श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी जो हमारे सांसद हैं उनको कैंडिडेट बनाया गया है, और भागलपुर से बुलो मंडल वो भी सांसद हमारे हैं उनको भी कैंडिडेट बनाया गया है भागलपुर से। और आज तीसरे चरण में जो किशनगंज है, कटिहार है और पूर्णिया है, तो कांग्रेस को दिया गया है और कांग्रेस के नेता इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उनकी भी घोषणा हो जाएगी। सीपीआई को आप लोगों ने अलग कर दिया है सीपीआई की तरफ से, चूंकि कांग्रेस की तरफ से नहीं कुछ घोषणा की गई है, क्या कुछ कैंडिडेट को लेकर प्रॉब्लम है? उन लोग की बैठक चली, मदन मोहन झा जी दिल्ली गए हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत हो रही है, जल्दी ही होगा। सर यहाँ पर एक चीज है कि सीतामढ़ी से लोग आए हुए हैं, सीताराम यादव का आपने टिकट काट दिया है, आलोक मेहता जी का टिकट काट दिया है, अभी ना सीतामढ़ी देखिए आशुतोष किस तरीके का हंगामा हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आरजेडी प्रदेश, ये प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर हंगामा हो गया है। आपकी तस्वीर देखिए, सीतामढ़ी से जो लोग आए हुए थे वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर रामचंद्र पूर्वे बैठे हुए हैं और आरजेडी ऑफिस में हंगामा हो गया है। कल सीतामढ़ी से सीताराम यादव को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर के यहाँ पर समर्थक पहुंचे थे और आरजेडी ऑफिस में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, ये क्यों हम सुन लीजिए सर, क्या बोल रहे सुना जाए। सीतामढ़ी से क्योंकि हमारा वह जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है, और मतलब कि माननीय सीताराम यादव जी के प्रति हमारा सम्मान भी रहा है। आप लोगों की जो भावना है उस भावना से मैं अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अवगत करा दूंगा। क्योंकि श्रीमती राबड़ी देवी जी की तबीयत खराब हो गई है, इसकी सूचना मिली तो हम नहीं जा सके, आप लोग धरना पड़ते हम नहीं मिल सके। आप लोगों की जो भावना है उससे मैं अपने नेता को और अन्य नेताओं को भी अवगत करा दूंगा। जैसे तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर आरजेडी को मजबूत किए, क्या क्या कोई दूसरा आदमी आ जाएगा पार्टी में क्या उसको मुख्यमंत्री मान लेंगे? हम लोग कोई नहीं मानेंगे। एक एक वर्कर को लेके आगे तक ऊंचा आरजेडी को, क्या आज कोई मिल जाएगा तो उसको टिकट मिलेगा क्या? हम लोग मानेंगे क्या? आरजेडी का जो वर्कर है जो वहाँ पे दमखम लगाकर पार्टी को ऊंचा किया, आपसे ज्यादा कौन जानता है? कोई जानता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे ज्यादा कौन जानता है? हमको इसलिए जानते हैं, इसलिए हम लोग केवल आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस बात का आदमी हम आए हुए हैं, एक आदमी जानते आप है तो कहा ना भाई, आपके अर्जुन है कहाँ क्या, कौन कौन अर्जुन है, कौन क्या, कोई कुछ नहीं। जो इमेज बना हुआ है उसको वापस नहीं देंगे।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर देखें जहाँ पर किस तरीके से हंगामा इस वक्त चल रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र साहब के सामने जो कार्यकर्ता है सीतामढ़ी के, वो इस वक्त हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं टिकट कटने को लेकर सीताराम साहब का, और लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मांग है वो नेता के सामने जो है वो रखी जाएगी। राबड़ी देवी की जो तबीयत है वो नासाज है। आशुतोष, समझाने की जो कोशिश है वो नाकाम होती नजर आ रही है, क्या कह रहे हैं रामचंद्र साहब? देखिए रामचंद्र, पूर्वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, और सर 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 क्या कहेंगे सर, उजियारपुर से और सीतामढ़ी से जो आपके जो कैंडिडेट थे पुराने नेता हैं उनका एक मैं सुने जी 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 एक सुनिए सीतामढ़ी सुना जान सीतामढ़ी क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ मैं अनुशासित सिपाही भी हूँ, इसलिए इंटरनल फीलिंग हमारी जो भी हो, लेकिन एक्सटर्नली मैं किसी व्यक्ति के विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। एक्सटर्नली हम किसी व्यक्ति के फेवर में हम नहीं बोल सकते हैं। हम सिंपली इतना ही कहा, सुना जाए सिर्फ इतना ही लोगों को कहा कि आपकी जो भावना है, आपने जो रिक्वेस्ट किया है श्री सीताराम यादव जी के प्रति, उस भावना और रिक्वेस्ट से मैं अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अवगत करा दूंगा, और शीर्ष नेता का जो भी निर्णय होगा रामचंद्र पूर्वे नॉट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का एक अनुशासित सिपाही के रूप में उस निर्णय को हम मानेंगे, और हम आपकी भावना से अवगत करा देंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं। क्योंकि कल हमको सूचना मिली कि श्रीमती राबड़ी देवी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हम आप लोगों के धरना स्थल पर आपसे मिलने नहीं आया। इतना कहना है कि तीन दिनों से ये लोग धरना दे रहे हैं, अब तक राबड़ी आवास से या तो मिलने नहीं आए, पूछने तक नहीं आए। भाई आप सभी लोग हमसे मिले हैं जी, आप सभी लोग हमसे मिले और अपनी बात को न सिर्फ हमारे सामने रखने का काम किया बल्कि मीडिया के सामने भी रखने का काम किया। अब हम आपको सिर्फ इतना ही आश्वस्त करते हैं कि हम आपकी भावना और आपका जो रिक्वेस्ट है उसे हम अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सर, आप भी जिले के आप एक आप सुना जाना हर... मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मैं जिला का नहीं हूँ, मैं रामचंद्र पूर्वे एज ए मैन नहीं हूँ, रामचंद्र पूर्वे पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए इस कुर्सी से कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के प्रति हमारी जो भी आंतरिक रूप से अगर कोई भावना है चाहे आदर है उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वही पार्टी के मर्यादा के अनुकूल। तो क्या अच्छा इन लोगों को हम लोग केवल इतना ही चाहते हैं कि जो आपके सामने आपके साथ मिलकर रहकर जो पार्टी का शुरू से लेकर अंत तक जो काम किया है जो आपको पता है, ऐसा नहीं कोई हो कि पास रूप से आवे टिकट ले और क्या हासिल हुआ, इससे पहले भी आप एक टिकट मिलाकर दिए थे उसका हर साहब दे चुके हैं, नाम उनका नहीं लेंगे हम, आपको इस तरह पता है बात, ऐसा नहीं फिर ऐसा हो, लेकिन आप सोच समझकर पार्टी को एक एक पानी देकर आप हम सब मिलकर बढ़ाए हैं, ऐसा नहीं हो कि वो पानी फिर सूख जाए, सूखा नहीं चाहिए, पूरा आवाज रहना चाहिए पार्टी कितनी मजबूती हो आप देखिए वर्कर में कौन आपका पार्टी के लिए काम किया है नहीं किया है उसके अनुरूप दीजिए, जबकि ऐसा करिए कि पास उठा कर आ जाए यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीन दिनों से मिलना चाह रहे थे कैडेट बदलेंगे, ऐसा तो पहले होने नहीं देंगे, हम लोग अपने विचार से धरना देकर मनाइए पार्टी अपना आला कमान को, उसके बाद देखा जाए जो होना हो। नहीं अगर नहीं मांगे नहीं ऐसा कैसे माने नहीं मानेंगे, हमने लड़ा है, हमने काम किया है, हमने सब चीज किया है, तो कैसे नहीं मानेंगे, हमारे आर्गुमेंट को मानेंगे। वो महागठबंधन के सहयोगी दल को ही जा रही है ना? नहीं सहयोगी दल आरजेडी का ही आरजेडी का सीट है, क्या दिक्कत है आरजेडी का सीट, जो आरजेडी का वर्कर जो सही वर्क है उसको टिकट दीजिए ना, जो सींचा है सीतामढ़ी को, जो सींचा है सीतामढ़ी को उसको दीजिए टिकट ना, आरजेडी का सीट है और कोई लूट ले कैसे होगा, आरजेडी मतलब आरजेडी जो जो वहां पे Yeah.
आरजेडी के कार्यकर्ता पूरे तरीके से यहां पर गुस्सा अपना जाहिर करते हुए सीतामढ़ी सीट को लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है टिकट को लेकर सीताराम साहब को टिकट जो है वो दिया जाए, किसी बाहरी का टिकट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि समझाने की कोशिश जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र की तरफ से की गई है, लेकिन जो है तमाम कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो मांग है कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो पहुंचाई जाएगी शीर्ष नेतृत्व के पास। राबड़ी देवी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और इसी बीच जो बातचीत है वो की जाएगी और जो कुछ मांग है उसे पूरा करने की कोशिश जो है वो की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। तो आशुतोष जी बीड़ा संवाददाता लगातार जानकारी यहां तक पहुंचा रहे थे। आशुतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।